हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई गुरुकुल। माई सेल्फ श्रुतिदी पांडे, और आज हम डिस्कस करेंगे, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया सर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो जनरल साइंस से हैं, और उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम अगेन 50 क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किया है जो हम कंटिन्यू करेंगे जनरल साइंस टॉपिक से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जिन लोगों ने सीटेट के लिए अप्लाई किया है, जिन लोगों ने केवीएस के लिए अप्लाई किया है, DSSSB, UPTET और हर जगह के एग्जामिनेशन के लिए जहाँ जनरल साइंस पूछा जाता है, सभी तरह के एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। तो 50 क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। हमने लास्ट 200 क्वेश्चन तक किया था, 201 से स्टार्ट करते हैं। पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। पराश्रव्य, जिसे हम जिन्हें हम अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, वो मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो ये होता है 24 घंटे। परासर तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। आवृत्ति की इकाई क्या होती है? आवृत्ति की इकाई है हर्ट्ज। 1 किलो चीनी का भार कितना होगा? तो समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। तो किसी भी चीज़ का भार समुद्र तल पर सर्वाधिक भारी होगा। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा था? मेडिकल साइंस का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन इकाई है ज्योति फ्लेक्स की। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, तो गुब्बारा चंद्रमा पर क्या होगा? तो वह फट जाएगा। नेक्स्ट है, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा? तो वो अपरिवर्तित रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है, क्यों? क्योंकि ये होता है सरफेस टेंशन की वजह से, पृष्ठ तनाव के कारण। बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है, तूफान के आने का संकेत देता है इससे। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप क्या होगा? तो कमरे की वायु का ताप बढ़ता है। गर्म जल 90°C से 80°C तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, तो 80°C से 70°C तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा? तो ये लगेगा 10 मिनट से ज़्यादा। दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणामी मान शून्य नहीं हो सकता। पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाए तो पानी का तल वही रहेगा। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है कहाँ? वैक्यूम में, निर्वात में नहीं चल सकती है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए। ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है वोल्टेज को हाई या लो करने के लिए। बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, लिक्विड का जो है प्रेशर वो बढ़ता है। द्रवों का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है कहलाता है, तो ये कहलाता है श्यानता। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो सैंड, रेत जो है ये एक यौगिक है, ये सिलिका इस भी से बोलते हैं। विरंजक चूर्ण क्या है? विरंजक चूर्ण एक यौगिक है। गैसों की श्यानता ताप के बढ़ने पर क्या होता है? तो गैस बढ़ती है, ताप के बढ़ने पर श्यानता बढ़ती है। ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं क्योंकि वो बर्फ के नीचे 4°C पर जल जो है जली के अपने लिक्विड फॉर्म में ही होता है, तो ये सारे जीव जंतु नीचे चले जाते हैं। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि अधिक होती। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार काम करती है, तो ये करती है फैराडे के नियम के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता? तो ये करता है न्यूट्रॉन बम, ये सिर्फ ह्यूमन को हार्म करता है, ह्यूमन को ख़त्म कर देता है। कोई भी जीव जंतु है जिसमें लाइफ है उसको ख़त्म करता है, निर्जीवों पर काम नहीं करता है। परमाणु बम में निम्न कौन सा सिद्धांत काम करता है? तो ये करता है नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश को विद्युत में बदलता है। घरों में पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? ये लगे होते हैं समानांतर क्रम में। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? ये की थी रॉन्जन ने। पिच ब्लैंडी
किसका अयस्क है? तो पिच ब्लांडी ये रेडियम का एक और है, एक अयस्क है। रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें हैं अल्फा, बीटा और गामा रेज। जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो उन्होंने खोज की थी न्यूट्रॉन की। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? कॉर्न वॉर्नलीनियस है। अमोनियम क्लोराइड का घोल है, अमोनियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक होता है। शीतलीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्साइड का काम करता है? नाइट्रोजन जो है वो फ्रीजिंग प्रोसेस में, जो कोल्ड स्टोरेज का प्रोसेस है वहाँ पर नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड का। आगे हम बात करेंगे मानवीय महिलाओं के प्रजननीय अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? तो ये करता है एस्ट्रोजन। नेक्स्ट है प्रोलॉग भाषा विकसित हुई थी 1972 में, 1972 में। बैकबोन किससे संबंधित है? बैकबोन का संबंध इंटरनेट से है। वेब अस्तित्व में कब आया और कहाँ पे आया? वेब सबसे पहले अस्तित्व में आया था अमेरिका में। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाया जाता है? तो नॉर्मल कंडीशन में आर्गन एक ऐसा गैस है जो एक नॉबल गैस है लेकिन वातावरण में इस तरह से नहीं पाया जाता है। स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? तो आयरन के साथ क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब का तंतु जो फिलामेंट होता है बल्ब का, उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करने से वो चमकने लगता है। तो क्या होता है, फिलामेंट में जो धारा ले जाने से वो जो तार है वो चमकते, वो तार नहीं चमकते, इसका क्या कारण है कि जो फिलामेंट होता है, तंतु होता है, उसके प्रतिरोधक तारों की अपेक्षा प्रतिरोध अधिक होती है इसलिए वो नहीं चमकता है, बाकी उसके अलावा जो तार होते हैं वो चमकते हैं। एक हॉर्स पावर, एक अश्व शक्ति में कितने वॉट होते हैं? तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? उपधातु या आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मत, ये सभी उपधातु की श्रेणी में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? तो अमोनिया एक यौगिक है। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जिसमें साग सब्जी इत्यादि के पौधों का अध्ययन करते हैं वो कहलाता है ऑलेरी कल्चर। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक, तो रासायनिक यौगिक अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज पर, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो एक समझ लीजिए जस्ट एक डेस्क है जो कि कंटिन्यूसली रोटेट हो रही है और अचानक से कोई लड़का उस पर जाके बैठ जाता है, तो क्या होगा उसके उसके जो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो अचानक से उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द जनरल साइंस। हमने जनरल साइंस के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को आज हल किया है। आशा करती हूँ ये आपको पसंद आएगी और अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर दें ताकि हम इसका जब नेक्स्ट पार्ट अपलोड करें तो सबसे पहले आपको पता लग जाए और सारे अपडेट्स आप तक समय से पहुंच जाए। एट लास्ट कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।